हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरह से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं ब्राइडल शावर के लिए। मे बी आप अपने खुद के लिए या फिर अपनी सिस्टर या फिर फ्रेंड्स के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे, तो दिस इज़ द बेस्ट आइडिया। सो आई होप आप सभी को ये आइडिया पसंद आएगी। सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो चलिए फटाफट DIY को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, डेकोरेशंस के लिए हमें चाहिए ब्राइड टू बी का फॉइल बलून, दो ब्लैक कलर के कर्टन एंड एक रिंग का फॉइल बलून जो आपको इस तरह से मिल जाएगा, एंड साथ ही इसके साथ में मिलेगा आपको एक स्ट्रॉ जिसकी हेल्प से आपको इसमें हवा फिल करनी है। एंड मैं यूज़ करने वाली हूँ गोल्डन एंड ब्लैक कलर के बलून्स और बलून्स आर्च मेकिंग स्ट्रिप। एंड इसके अलावा आपको यूज़ होने वाला है ये ब्राइड टू बी का शैश एंड हवा फिल करने के लिए पंप और ट्रांसपेरेंट टेप। एंड फ्रेंड्स, इन सारे मटेरियल्स की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसके थ्रू भी अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। एंड सबसे पहले हम फॉइल कर्टन को ओपन करेंगे। ये 3x6 सेंटीमीटर के मिल जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने दो कर्टन का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसे स्टिक करने के लिए सबसे पहले हमें इसके दोनों कॉर्नर पे लगाना है ट्रांसपेरेंट टेप, एंड ट्रांसपेरेंट टेप की हेल्प से हमें इसे वॉल पे स्टिक करना है। तो आप जिस भी स्पेस को कवर करना चाहते हैं डेकोरेशंस पे, वहाँ पे आपको इसको स्टिक कर लेना है। सो अब हम यूज़ करने वाले बलून्स, और बलून्स को आपको मीडियम साइज़ में फुलाना है पंप की हेल्प से। अगर आपके पास पंप ना हो तो आप मुंह से भी हवा फिल करके इन्हें फुला सकते हैं, और इसी तरह हम सारे बलून्स को फुलाएंगे। एंड अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये बलून्स आर्च मेकिंग स्ट्रिप। ये बहुत ही इजी से इसकी हेल्प से फ्रेंड्स बलून्स आर्च बना सकते हैं। इसके अंदर ऑलरेडी दो होल बने होते हैं जिसमें सबसे पहले आपको बड़े होल पे बलून्स को डालना होता है और छोटे होल की तरह शिफ्ट करना होता है, एंड वन बाय वन आपको सारे बलून्स को इस स्ट्रिप पे लगा देना है। सो इस तरह से आपका बलून्स आर्च विद इन 5 to 10 मिनट्स में बन जाएगा, एंड इसे आप वॉल पर बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इस स्ट्रिप्स में जो होल बना होता है उसी की हेल्प से आप इसे वॉल पे हैंग कर सकते हैं, या फिर आप ट्रांसपेरेंट टेप की हेल्प से भी इसे वॉल पे स्टिक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैंने इसे एल शेप में लगा लिया है, और इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ ये छोटे छोटे गोल्डन कलर के बलून्स। आप गोल्डन या ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में रैंडमली लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं ओपन करने वाली हूँ ब्राइड टू बी का फॉइल बलून। एंड फ्रेंड्स, ये सारे बलून्स एंड ब्राइड टू बी का डेकोरेशन का पूरा एक सेट मिल जाता है जिसके प्राइस अराउंड 300 to 400 के बीच में आपको मिल जाएगी, एंड अमेजोन पर भी बहुत ही आसानी अवेलेबल है, एंड उसकी लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, इसके बॉटम पे होल बना होता है जिसपे आपको स्ट्रॉ को डाल के इसमें हवा फिल करनी होती है। फ्रेंड्स, अब इसी तरह आपको सारे बलून्स पे हवा फिल कर लेनी है वन बाय वन, एंड अब इसे वॉल पे स्टिक करने के लिए आपको यूज़ करना है ट्रांसपेरेंट टेप। आपको ट्रांसपेरेंट टेप को इस तरह से कट कर लेना है, एंड उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके पीछे स्टिक कर देना है, एंड इसी तरह आपको सारे बलून्स के पीछे ट्रांसपेरेंट टेप को लगा लेना है, एंड वन बाय वन आपको इसे वॉल पे स्टिक करना है। सो सबसे पहले हम स्टिक करेंगे ब्राइट, एंड उसी के नीचे हम स्टिक करेंगे टू बी। सो इस तरह से ब्राइट टू बी के बलून्स को आपको स्टिक कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अब हम लेंगे रिंग के फॉइल बलून्स को, और इसे भी हम इस तरह से स्ट्रॉ की हेल्प से हवा फिल कर लेंगे, एंड इसके पीछे भी हम स्टिक करेंगे ट्रांसपेरेंट टेप। आपको ट्रांसपेरेंट टेप को सेम उसी तरह से फोल्ड करना है, इसके पीछे स्टिक कर लेना है। इसे भी आप किसी भी एक कॉर्नर पे स्टिक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बलून्स के ऊपर आपको स्टिक कर लेना है, और ये हमारा ब्राइड टू बी का डेकोरेशंस रेडी हो गया है। और अब हम ओपन करेंगे ये ब्राइड टू बी के शैश को, एंड इसे आपको बहुत ही आसानी से पिन की हेल्प से पहन लेना है जो कि बहुत ही ईजी है इस तरह से। सो ये हमारा डेकोरेशंस रेडी हो गया है। एंड फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है, एंड आई होप आप लोग भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मे बी शायद से आप अपनी डॉटर के लिए या अपने सिस्टर के लिए या अपने फ्रेंड्स के लिए ब्राइड टू बी के डेकोरेशन की प्लानिंग कर सकते हैं घर में, और बहुत ही ईजी अंडर बजट रेडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये डेकोरेशन आइडिया पसंद आई होगी। एंड फ्रेंड्स, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए कि आपने ये डेकोरेशन की प्लानिंग किसके लिए की है। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।